हेलो वीडियो कौन करना देखिए। बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के हमारे पांचों कंपनियों के ये हम सब लोग प्रतिनिधि हैं, हम डीलर हैं। करीब 200 के करीब बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में पेट्रोल पंप है, जिसमें आईयूसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल, एसआर और रिलायंस के पंप। हम तकरीबन 50 डीलर यहाँ अभी हैं। हम लोगों ने अभी ज्ञापन दिया कलेक्टर साहब को। हमारा ये कहना है कि बायोडीजल के नाम पे बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में अलग तरह का कोई केमिकल बिक रहा है, जो डीजल के मुकाबले 30-35 रुपए सस्ता है। उस वजह से सबसे बड़ा नुकसान राज्य सरकार को हो रहा है, भारत सरकार को हो रहा है। डीलर एक डीलर कम से कम 1.5 करोड़ से लगा करके 5 करोड़ रुपए तक पंप स्थापित कर पाता है। आज की स्थिति में हमारी सेल 50% रह गई है बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में सारी कंपनियों को। 40 से 50% सेल कम होने से राजस्थान में तकरीबन 350 करोड़ रुपए का राज्य सरकार को नुकसान हो रहा है वेट की वजह से। डीलर है हमारा नुकसान ये हो रहा है कि आज की तारीख में मेरे पंप की बात करूं, हमारा सेल जो है 15,000 लीटर था पर डे, जो आज आकर के रुक गया है 2,000 लीटर पे। इसी तरह के हाईवे के हमारे जो साथी हैं और इंटीरियर के जो साथी हैं, वहाँ पर उसका सेल 50% हो गया। बॉर्डर के गांवों में, बॉर्डर तक छेड़, बॉर्डर की ढाणियों में, गांवों में, वहाँ तक वो बायोडीजल या केमिकल जो है वो पहुँच रहा है, जिससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और इसीलिए हम लोग आज कलेक्टर साहब से मिले हैं, उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि हम कार्रवाई करेंगे। अभी हम एसपी साहब से मिलेंगे, अगर ये कार्रवाई नहीं होती है, हमारे को सुना नहीं जाएगा, तो हम लोग पूरे बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के सारे डीलर हम एक साथ अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, अनिश्चितकाल हम धरने पे बैठेंगे जब तक ये बंद नहीं होता है। इसीलिए आज हम लोग मिलेंगे।